तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फन टीवी सीरियल्स। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बालवीर और हीरो गाइमोर ऑन की टॉप 10 कैरेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने सुपर हीरो विलेन सबको रखा है और ये एक कंबाइंड वीडियो होने वाला है। सो गाइज, तो टॉप मोस्ट सीरीज की इस 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे है अकलमन, जो कि बालवीर रिटर्न्स में हमें वीकली स्टोरी में दिखाया गया था। दोस्तों, अकलमन ने देव जोशी यानी बड़े बालवीर को मूर्ति में तब्दील कर दिया था और विभान को बहुत कुछ सहना पड़ा था इसकी वजह से। और गाइस, एट लास्ट में भी अकलमन जीतने ही वाले थे, बट उसका हृदय परिवर्तन हो गया। सो गाइस, अकलमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर विलेन थे। नंबर 9 पे रखा है रॉकी को। गाइस, रॉकी तो वैसे उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं है, बट आसुरी यंत्र मतलब एलियन की टेक्नोलॉजी होने के कारण रॉकी अभी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, जो कि हीरो के साथ लड़ने का भी पावर हासिल कर चुका है। नंबर 8 पे है शुक्राचार्य हीरो गायमोडॉन। दोस्तों, शुक्राचार्य सारे आसुर यानी एलियंस की गुरु है, बट गाइस वो काफी ज्यादा शक्तिशाली तो है, बट अभी उन्हें कुछ दिनों से या फिर कुछ हफ्तों से शो में दिखाया नहीं जाता। जब तक आलोमा उसे बंदी ग्रह से नहीं छोड़ेगा, तब तक हमें शुक्राचार्य दिखाया नहीं जाएगा। नंबर 7 पे रखा है रे को। वैसे तो गाइस, रे का जब एंट्री हुआ था तब हमें रे को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाया गया था, बट गाइस जब टिमनासा का री एंट्री करवाया गया तब रे को बिल्कुल भी ताकतवर नहीं दिखाया गया और उसको अभी मेन विलेन भी नहीं कहा जा सकता। सो गाइस, रे शक्तिशाली तो है लेकिन उतना भी शक्तिशाली नहीं जो लिस्ट में आने वाले कैरेक्टर्स को हरा पाए। नंबर 6 पे है शौर्य। वैसे तो गाइस, शौर्य के पास सारे शक्तियां हैं, बट गाइस शौर्य वीर लोग के बाहर नहीं जाता और कुछ एपिसोड से आई थिंक शौर्य को दिखाया भी नहीं जा रहा। और गाइस, शौर्य से रे भी डरता है। वैसे तो शौर्य से सब लोग ही डरते हैं, बट गाइस शौर्य कभी आमने सामने लड़ाई नहीं करता। गाइस, नंबर 5 पे आलोमा। गाइस, आलोमा आसुर श्रेष्ठ की बेटी है और गाइस आलोमा को बंदी ग्रह के सुरक्षा के लिए रखा गया है, मतलब वो किसी को भी बंदी बनाने का पावर रखता है। और गाइस, आलोमा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिसे डंच भी नहीं मार सकते या फिर डंच भी उसे कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आसुर श्रेष्ठ की बेटी है और बंदी ग्रह की रखवाली है। नंबर 4 पे विवान यानी छोटा बालवीर। गाइस, विवान काफी ज्यादा शक्तिशाली है, बट विवान के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और छोटा होने के कारण विवान टिपनासा डंच या फिर किसी से भी नहीं लड़ता। हालांकि वो कुछ देर लड़ तो सकते है, बट आखिरकार वो हार ही जाएगा अकेले अगर लड़ा तो। नंबर 3 पे है डंच और टिपनासा फ्रॉम हीरो गायमोडॉन एंड बालवीर। गाइस, डंच और टिपनासा के बीच कंपैरिजन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों ही दोनों शोज का मेन विलेन है अपने अपने जगह। और गाइस, डंच के पास एलियन की टेक्नोलॉजी की पावर से, बट टिपनासा के पास सर्वकाल की जादुई शक्तियां है। बट गाइस, दोनों ही मेन विलेन से, तो मुझे नहीं लगा कि किसी को आगे और पीछे किया जा सकता है। बट गाइस, आप लोग कमेंट पे बताइए कौन ज्यादा शक्तिशाली है डंच और टिपनासा में से। तो गाइस, अब नंबर 2 पे है हीरो यानी हमारा वीर फ्रॉम हीरो गायमोडॉन। गाइस, हीरो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके पास 2 शक्तियां है, एक तो गायब होने की और 10 असुरों की शक्ति। बट अभी से अंगूठी की एक ही चरण पूरी हुई है, हो सकता है आगे जाके हीरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, बट गाइस हीरो अपनी जगह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो गाइस, नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है बालवीर फ्रॉम बालवीर रिटर्न। गाइस, बालवीर हीरो से ज्यादा शक्तिशाली है, कैसे? क्योंकि बालवीर के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, बालवीर के पास गायब होने की भी शक्तियां है और बालवीर हीरो को हरा सकता है। और गाइस, ये दोनों सुपर हीरो अपने अपने जगह यानी अपने अपने शो में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो बालवीर ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। गाइस, हम इस लिस्ट में रानी परी को रखना चाहते थे, बट मैंने इसे बालवीर रिटर्न से कंपैरिजन किया है, ना कि बालवीर सीजन 1 से, इसलिए रानी परी को इसमें नहीं रखा गया या फिर सीजन 1 की किसी भी कैरेक्टर और परियों को नहीं रखा गया। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद है, जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग से वीडियो पे, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के